आज रायबली के सरेनी विकासखंड में अमर शहीद स्मारक पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात ब्लॉक सभागार में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक भेंटवार्ता रखी गई थी, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण की बात कही गई। आपको बता दें कि आज स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सरेनी विकासखंड पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम अमर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात वहां पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निस्तारण की बात कही। वहीं सभा में आए हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य जीवन के लिए खेलों के महत्व पर चर्चा भी की। S7 की डेस्क रिपोर्ट। दायित्व तो है कि उनकी बातें सुनना और उनकी समस्याओं का निदान करना। मैंने उसी क्रम में आज सरेनी, लालगंज और डलमऊ का आज दौरा मैंने किया है। लोगों की समस्याएं सुनी हैं, जो समस्याएं सामने आई हैं उनका निदान मैं अपनी सरकार से कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। यथाशीघ्र सरेनी की नहरों में पानी आए, ये मेरा पहला संकल्प होगा। गाँव में बारात घर बने, ये मेरा दूसरा संकल्प होगा। गांव के जनप्रतिनिधियों ने और आम लोगों ने ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको हमको और हमारी सरकार को करना है। हम इस क्षेत्र से, इन लोगों के आशीर्वाद से सदस्य विधान परिषद चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं मंत्री हूं। मेरा दायित्व है इन लोगों की समस्याओं का सुन करके उनका निदान कराना।